एक सीएन ने मीटर रीडर को पीटा, इसके विरोध में मीटर रीडरों ने कार्य बहिष्कार का किया ऐलान। वहीं जनपद रामपुर के बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता का मीटर रीडर से विवाद हो गया। आरोप है कि अधिशासी अभियंता ने मीटर रीडर को पीट डाला। इस घटना से मीटर रीडर्स में आक्रोश फैल गया। उन्होंने कार्य बहिष्कार करते हुए आरोपित अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की। साथ ही मीटर रीडर्स का आरोप है कि अधिशासी अभियंता ने नाहिद बिजली घर के एक जेई उनसे महीना मांगते हैं, मांग पूरी ना होने पर साइट पर जाकर मीटर रीडर सुंदरलाल को पिटाई कर दी। ये जानकारी जैसे ही दूसरे मीटर रीडर्स को पता चली तो उनमें आक्रोश फैल गया। इस पर वे इकट्ठा हो गए, हड़ताल का निर्णय लिया है, जिसकी जानकारी अधिशासी अभियंता को लग गई। इसके बाद वे मीटर रीडरों की साइट चेक करने पहुंच गए। वहां कोई कमी नहीं मिलने पर उनकी जेब की तलाशी ली और उसमें मिली रकम लेकर चले गए। अधिकारी की इस हरकत के विरोध में मीटर रीडर्स ने कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया है, जिसकी जानकारी अधिशासी अभियंता को लग गई। इसके बाद वे मीटर रीडरों की साइट चेक करने पहुंच गए। वहां कोई कमी ना मिलने पर उनकी जेब की तलाशी ली और उनमें मिली रकम लेकर चले गए। अधिकारी की इस हरकत के विरोध में मीटर रीडर्स ने कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं मीटर रीडर ज्वालानगर में बिलिंग कंपनी के दफ्तर पर जमा हुए और अधिशासी अभियंता के खिलाफ प्रदर्शन किया, कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया। अभियंता भीष्म कुमार ने आरोपों को गलत बताया। उनका कहना है कि मीटर रीडर द्वारा रीडिंग में गड़बड़ी किए जाने की शिकायत मिली थी। इस पर काजी गली में पहुंचकर चेक किया तो सुंदरलाल के साथ मुरादाबाद का अनिल भटनागर भी रीडिंग करते मिला। इस पर दोनों को कार्यालय लाया गया। मीटर रीडर ने गलती भी मानी, इसके खिलाफ रिपोर्ट कराई जाएगी। रीडिंग में गड़बड़ी किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब आइए सुनते हैं अधिशासी अभियंता भीष्म कुमार क्या कह रहे हैं। ये हमें कल सूचना मिली थी, काफी दिनों से एक मीटर रीडर साइट पर रीडिंग स्टोर छोड़ के उपभोक्ताओं से पैसे की उगाही भी कर रहा है और विभाग को राजस्व का नुकसान पहुंचा रहा है सीधे सीधे स्टोर रीडिंग छोड़ के मीटरों में। तो जैसे ही हमने उसकी रेकी की, काफ़ी दिन से रेकी कर रहे थे कहाँ पे है, क्योंकि कई बार पकड़ने की कोशिश करते हैं तो मिलता नहीं है, भाग जाते हैं ये लोग साइट से। तो हमने इसको पहले इसकी वीडियो मंगवाई और साइट पे इसको रंगे हाथों पकड़ा। जब पकड़ा तो वहाँ पे 3-4 मीटर के बिल फौरन चेक किए गए तो वहाँ पे मीटर में रीडिंग कुछ और थी, बिल में रीडिंग कुछ और थी। और फिर उसके साथ में एक आदमी अनिल भटनागर नाम का ही पकड़ा गया, मीटर रीडर का नाम सुंदरलाल था और जो फालतू आदमी था, जो मतलब कि बिलिंग कंपनी से संबंध नहीं रखता था किसी प्रकार का, वो अनिल भटनागर था। अनिल भटनागर के बारे में पहले से ही पता चला था कि ये पिछले कई महीने से दूसरे मीटर रीडर के साथ में काम कर रहा है और पैसे की उगाही करवाता है, रीडिंग स्टोर छोड़वाता है। तो इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ के इनको ऑफिस लाया गया। इनको सख्ती से पूछताछ की गई तो इनके जेब में मात्र 1.5 घंटे की बिलिंग में किसी से 10 रुपये, किसी से 20, 50, 100, 200 रुपये करके इकट्ठे करके लगभग 1.5 घंटे में इन्होंने 550 रुपये उगा रखे थे और लिखकर वहाँ पे मीटरों में रीडिंग छोड़ दी। अभी इनके खिलाफ जांच चल रही है कि इन्होंने कितनी रीडिंग छोड़ रही हैं। इनसे इन्हें 1-2 दिन का टाइम दिया गया कि भाई जहाँ जहाँ इन्होंने रीडिंग छोड़ी हुई है मीटर में ये बता दें। अगर बता देते हैं तो इनको एक मौका दिया जा सकता है कि पुलिस में इनकी FIR ना की जाए और नौकरी से तो इनको मतलब कि एक मीटर जो मीटर रीडर है इसको परमानेंट तो निकाल ही दिया जाएगा। और फिर भी अगर ये नहीं बताते तो इनकी FIR करा के इनको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। मीटर रीडर का कहना है कि गलत तरीके से कार्रवाई की गई है। ज़्यादातर मीटर रीडर इस काम में इन्वॉल्व हैं, जो सही मीटर रीडर हैं उन्हें इस कार्रवाई से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन जो गलत हैं उनको छोड़ा भी नहीं जाएगा और वो इस चक्कर में अगर कार्य बहिष्कार करने की धमकी देते हैं तो बेशक करें, हमारे पास दूसरे मीटर रीडर काम करने के लिए तैयार हैं। 2-4 दिन के अंदर अभी इस महीने की बिलिंग 90% कम्प्लीट हो चुकी है और अगर नहीं होते ये मीटर रीडर काम करेंगे तो दूसरे मीटर रीडर हम